ये देखें जी, ये अभी हमारा ये पौधा फूलों वाला कितने अच्छे फूल निकले हैं इसके देखें। पहले तो कुछ भी नहीं थे गर्मियों में, तो अब माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये हमारी बॉडी। ये देखें कितने अच्छे अच्छे हैं, कुछ गुलाबी हैं और कुछ रेड कलर के हैं। ये देखें अब पानी तो हम ज़्यादा नहीं देते इनको, बस कभी कभार। जी इस वक्त शाम का टाइम है और आज मैंने कपड़े लेट धोए थे, मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। तो ये देखें ये जो बच्चों के सुबह के थे कल वाले, ये मैंने धो दिए हैं, बाकी के मैंने भिगो के रख दिए हैं। ये देखें सूरज अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, शाम का टाइम हो गया है। और धनिया तो हमारी बिल्कुल भी नहीं हुई जो हमने उगाई थी, लहसुन थोड़ा सा हुआ था वो भी ना ऐसे सड़ा सड़ा सा है। ये देखिए आज पानी लग गया है इसको, बिल्कुल भी छोटा छोटा नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें कुछ कपड़े मैंने अभी धो के डाल दिए हैं और कुछ मैंने इन दो बाल्टियों में भिगो के रख दिए हैं जो कि सुबह धोऊंगी। ये देखें ये बच्चों के हैं और ये कोई तकिए वगैरह थे, तो अगर शाम को मैं भिगो के रख देती हूँ तो सुबह फिर बहुत ही अच्छे निकलते हैं। मेरे पास मशीन नहीं है, मैं हाथ से ही धोती हूँ और बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से निकलते हैं। कुछ मैंने अभी धो दिए हैं, ये देखें ये भी हमारा पौधा है, इसको फूल वगैरह तो कुछ नहीं लगते, बस ऐसा ही है खूबसूरत सा। जी ये देखें ये अभी आग जला रहे हैं और आज हम बना रहे हैं गाजर का सालन। और ये हमें जानने देखिए मैं पानी डाल दूँ, इसको बॉयल करेंगे और उसके बाद जो बॉयल हो जाएगा तो गाजर डालेंगे। आग थोड़ी सी मुश्किल से जलती है तो काफ़ी मेहनत से जलाते हैं। ये हमारी लकड़ियाँ हैं, हमने दरख्त निकाला था किकर का और लकड़ियाँ रखी थी ताकि ये ना थोड़ी सूख जाए। और ये प्ले वगैरह जो अम्मी जान बनाती हैं। और ये हमारी गाय पहले वाली तो चली गई है, अब अबू जान ने न्यू ली है, उसका दूध बिल्कुल भी नहीं था तो फिर हमने चेंज किया है। ये देखें अब ये आई है, इसका दूध थोड़ा सा अच्छा है माशाल्लाह, तो हमारे लिए काफ़ी होता है। तो गाँव में तो चाय वगैरह भी बहुत ज़्यादा पी जाती है, कोई मेहमान आ जाए या फिर घर में 3-4 मरतबा आसानी से बनती है। और इसके साथ ये छोटी सी बछड़ी है, ये देखें तो क्यूट है। और ये घास, अभी का तो इसने खा लिया है मेरे ख्याल में, ये सुबह के लिए है, अभी इसका ना टोका करके रख देंगे, फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से भी पहले अभी जानना डाल देंगे इसको यहाँ पर। और ये भूसा रखा हुआ है, ये हमारी गाय का रूम है, रात को अंदर ही बांधते हैं। और ये देखिए छोटी बच्ची, ये देखिए हमारी गाय है, तो इसने ना अपना शाम का खाना खा लिया है। जी ये देखें ये ना हमने काट के अच्छी तरह से ना वॉश कर ली हैं, ये गाजर और मटर बना रहे हैं आज। और इधर पानी भी हमारा गर्म हो गया है तो इसको डाल देंगे। तो अभी ना इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे, तो जब ये उबल जाएंगे तो फिर बाकी के मसाले डाल देंगे इसमें। अब आग हमारी अच्छी तरह से ना चल रही है, आग काफ़ी मुश्किल से जलती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है।
इसको ना थोड़ा सा ही लगा दूँ ताकि ये मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से गल सके। जी ये देखें, ये कुछ लोग ना गाजर का साला नहीं खाते तो उनके लिए मैं आलू बना रही हूँ। और यहाँ पर ना बच्चे कहीं से दूध लेकर आए थे और उन्होंने खा के हमें हमें ना दूध वाली सोयाँ बना के दें, तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। और अम्मी जान मट्टी के चूल्हे पे ना गाजर और मटर वो बना रही हैं, तो मैं ये गैस के चूल्हे पर बना रही हूँ। ये आलू है और ये हमारी सोयाँ हैं दूध वाली, बस थोड़ी सी रहती हैं, बनकर तैयार हो गई हैं। काफ़ी दिन से बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें खानी है खानी है। और ये आटा मैंने गूंद के रख दिया है और बाकी बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं।